और दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको दो सरप्राइज देखने को मिलेंगे। पहला सरप्राइज तो ये है कि मैंने अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। लाइट मेरे फेस पर क्लियर आ रही होगी, मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कैसी लग रही है लाइट और बैकग्राउंड, और क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है नहीं आ पा रही है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो जल्दी से अभी इस वीडियो को लाइक दे दीजिए, और जो भी आपके दिल की बातें हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरे उस सरप्राइज के बारे में, जो कि मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 8, 6999 रुपये में आता है। ये सरप्राइज क्यों है आपके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। प्राइस के हिसाब से ओवरऑल काफ़ी सारी और भी अच्छी चीज़ें आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही हैं। आपको मैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में पूरा बताने वाला हूं, तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे इसकी डिज़ाइन के मामले में, तो बेहद ज़्यादा आपको लुभाएगी, क्योंकि इसका जो बैक में कलर दिया गया है जो 14 या 15 हज़ार रुपये के जितने फ़ोन आते हैं वैसा ही कलर सेम आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल रहा है, और साइड में 3 कैमरे दिए गए और एक LED फ्लैश भी दिया गया है। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं आपको बता दूं ये प्लास्टिक की बॉडी के साथ आता है। बात करूं यहाँ पे मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो 6.53 इंच की मिनी नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। जी फ्रेंड्स, साथ ही साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। FSD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एमुलेट नहीं दी गई है, याद रखें, क्योंकि प्राइस के हिसाब से FSD+ ही आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6.53 इंच की लास्ट डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि इतने प्राइस में किसी भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको MediaTek वाला हीलियो वाला P22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.0 GHz पे क्लॉक्ड है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्राइस में ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया था, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्मार्टफोन में जो इसकी बैटरी है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा 5000 mAh की बैटरी है तो ये स्मार्टफोन वेट में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 180 ग्राम का वेट मिलता है, तो मतलब लाइट वेट के साथ आता है, और जो कि 5000 mAh की बैटरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उन लोगों ने इस स्मार्टफोन को मैनेज किया है। तो बैटरी बड़ी दी गई है और उसके हिसाब से वज़न कम दिया गया है। इसके लिए मैं आपसे जरूर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर से एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में जरूर से बताएं। और दोस्तों जो एक और इसकी बड़ी चीज़ है वो है इसकी रैम और रोम। जी हाँ फ्रेंड, जो कि इसकी रैम 4GB 64GB के साथ आएगा, साथ ही साथ इसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब 3 स्लॉट देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार अगेन याद दिला देना चाहता हूँ, याद रखिए 4GB दिया गया है, 64GB जो कि 6999 की प्राइस में नहीं आता है किसी भी स्मार्टफोन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि प्राइस को अपने माइंड में जरूर से याद रखें, और बाकी की चीज़ें ध्यान से सुने। और दोस्तों डालते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के ऊपर नज़र, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग दिया गया, और जो तीसरा कैमरा है वो मैं आपको बता दूँ लो लाइट पिक्चर को सपोर्ट करता है। लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर आपको निकाल के देगा ये। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बता दूँ, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इतनी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैमरे देखने को मिल रहे हैं इस स्मार्टफोन में। वैसे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, हमने अगस्त के महीने में एक वीडियो बनाई थी टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि आपको सितंबर में देखने को मिलेंगे, उसमें हमने आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बताया था। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे हम जो वीडियो बनाते हैं उस पर जो रूमर्स आती हैं वो सारी क्लियर होती हैं, और वही आपको सेम स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी जानना चाहते हैं कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं सेप्टेम्बर के महीने में, तो उस वीडियो को जरूर से देख लें, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने उसका लिंक दिया है, जाकर एक बार वीडियो को देखें और समझें कौन से स्मार्टफोन आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो सेल है 12 सितंबर को फर्स्ट सेल होने वाली है, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर होने वाली है, और मैंने आपको बता ही दिया है प्राइस 6999 रुपये में। जी फ्रेंड्स, अगर आपका बजट 7000 रुपये का है
तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना पड़ें, आप इस स्मार्टफोन को जाकर के जल्दी से परचेज कर लें 12 सितंबर को फर्स्ट सेल में ही। चले दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इन्फिनिक्स हॉट 8 की ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही साथ मेरा ये बैकग्राउंड भी पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी दिल की बात जरूर से लिख देना, मैं आपको अगेन याद दिला रहा हूँ। और हाँ, चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो और प्लस वाले आइकन को जोर से दबाएं ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिले। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।